आप राजीव प्रताप रूडी को गिरफ्तार करने के बजाय जब हमारी पूरी राज्य भर की राज्य इकाई जब मांग कर रही थी कल कि राजीव प्रताप रूडी को गिरफ्तार किया जाए कोविड महामारी एक्ट के तहत, उल्टी आप सुबह सुबह पप्पू यादव को गिरफ्तार किए। ये कौन सा कानून है? दोषी आपके भाजपा से डर गए कुर्सी कुमार जी कुर्सी बचाने के लिए। सीधे सीधे दिखता है कि सेवा नीतीश कुमार को मंजूर नहीं है। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। इस वक्त की बड़ी खबर जो हमने आपको बार बार दिखाया और बताया भी है कि पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें पटना के गांधी मैदान थाना ले जाया गया है। हम आपको वजह भी बता देते हैं गिरफ्तारी की। पप्पू यादव पर जो गिरफ्तारी के लिए जो आरोप लगाया है, जो वजह दी गई है, उसमें बताया गया है कि पप्पू यादव जो है बगैर अनुमति के घूम रहे हैं, सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये तीन बड़े आरोप लगाए गए हैं पप्पू यादव पर। पटना पुलिस ने जो ये बड़ी कार्रवाई की है पप्पू यादव के खिलाफ, उसमें ये तीन बड़े आरोप जो लगाए गए हैं हम आपको फिर से बताते हैं, जिसमें बताया गया है बगैर अनुमति के घूमना, सरकारी कार्य में बाधा डालना और लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन का आरोप। ये तीन बड़े आरोप लगाए गए हैं पप्पू यादव पर और इन्हीं आरोपों के बिना पर पप्पू यादव के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आज जब पटना पुलिस सुबह सुबह पप्पू यादव के आवास पर पहुंची और उन्हें घर के अंदर नज़रबंद कर लिया गया। इस वक्त पप्पू यादव प्लानिंग कर रहे थे कि आज कहाँ जाना है, किस हॉस्पिटल पर छापेमारी करनी है। पप्पू यादव के बारे में बताएं कि वो लगातार हॉस्पिटल में छापेमारी कर रहे थे और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो कमियां वो उजागर कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये रास नहीं आया पप्पू यादव का ये कदम, और अब जो है पटना पुलिस ने बड़ा एक्शन ले लिया। आज पटना पुलिस ने पप्पू यादव को गांधी मैदान थाना ले गई है पटना पुलिस, और अब वहाँ से जेल भेजे जाने की भी जो खबरें आ रही हैं सामने। आपको बताया कि इस बीच पप्पू यादव का बड़ा बयान भी सामने आया है। पप्पू यादव ने कई सारी बातें कही हैं गिरफ्तारी के बाद, और साथ ही साथ पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर तो पप्पू यादव के समर्थकों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। पप्पू यादव के समर्थकों का साफ साफ कहना है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी कर ली गई, जबकि गिरफ्तारी राजीव प्रताप रूडी की होनी चाहिए थी, जो बीजेपी के सांसद हैं, जिन्होंने एम्बुलेंस छिपा कर रखा था। इस कोरोना संकट के दौर में जहाँ एम्बुलेंस की कमी है, लोग भटक रहे हैं, मरीज जो है मर रहे हैं इलाज के अभाव में, एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से वो समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं, तमाम तरह की बातें समर्थक कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं समर्थक सुनिए आप। नेता जो है प्रेमचंद सिंह है जो आपके नेता, उसके अलावा और जो समर्थक हैं वो भारी गुस्से में दिख रहे हैं पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद, पटना पुलिस के इस एक्शन के बाद। तो सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। हुआ तब से इकलौता व्यक्ति, हर आदमी को सहयोग सेवा और सहायता पहुंचाने के लिए, मदद करने के लिए इकलौता व्यक्ति था जो बिहार में पटना के सड़कों से लेकर के अन्य जगहों पर भी उनके साथ ही हमारे पार्टी के लोग कर रहे थे। ये नगवार लगा नीतीश कुमार को, मारना चाहते हैं बिहार के गरीब गुरुवा को और तमाम उन सभी मरीजों को, ये नहीं अच्छा लगता है। मैं नीतीश कुमार जी पूछता हूँ कि आप राजीव प्रताप रूडी को गिरफ्तार करने के बजाय जब हमारी पूरी राज्य भर की राज्य इकाई जब मांग कर रही थी कल कि राजीव प्रताप रूडी को गिरफ्तार किया जाए कोविड महामारी एक्ट के तहत, उल्टी आप सुबह सुबह पप्पू यादव को गिरफ्तार किए। ये कौन सा कानून है? दोषी आपके भाजपा से डर गए कुर्सी कुमार जी कुर्सी बचाने के लिए। सीधे सीधे दिखता है कि सेवा नीतीश कुमार को मंजूर नहीं है, बिहार के लोग बच्चे नीतीश कुमार को मंजूर नहीं है, इसीलिए पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। न ऑक्सीजन पहुंचाते हैं पप्पू यादव, ऑक्सीजन सबको घर पहुंचाते हैं, दवा पहुंचाते हैं पप्पू यादव, अभी तक राज्य सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। मीडिया से लेकर पूरा देश परेशान हो गया है इस बिहार सरकार से कि कैसे यहाँ के बिहार के मरीजों को पीएमसीएच एनएमसीएच आईजीएमएस एम्स सब में मारा जा रहा है। आप क्या सवाल है? गिरफ्तारी क्यों हुई है ये बताया गया? अभी तक तो लॉकडाउन का उल्लंघन बताया जा रहा है। जब खाना हमारे साथी पहुंचा रहे थे, जब पप्पू यादव जी को कॉल आया, पप्पू यादव जी ने अपने एक रेशन को देखने गए, उनकी मदद करने के लिए पहुंचाने के लिए जब गए, ये हवाला देते हुए कि आप लॉकडाउन कर, तो लॉकडाउन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है यदि कोई बहुत ज़्यादा गंभीर मामला नहीं हो तो बहुत ज़्यादा डिटेन किसी भी व्यक्ति को परेशान करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कितने पुलिसकर्मी पहुंचे थे, उसमें से कितने लोग संक्रमित होंगे, कितने लोग आज होंगे, कैसे आप रख सकते हैं इसकी गारंटी देंगे कि थाना सुरक्षित है? आप क्या पुनः एक बार राजनेताओं को मारने की, जो बिहार की सेवा करता है, पुनः एक बार मारने की साजिश करना चाहते हैं? मैं तो कहता हूं कि जिस तरह से
तिहार से निकाल करके शहाबुद्दीन को मार दिए ना, क्या उसी तरह के आपने दोबारा आप बिहार में एक और लाल को आप खत्म करना चाहते हैं? ये आपके मंसूबे नीतीश कुमार जी, गिरफ्तार करना है तो जा करके राजीव प्रताप रूडी को गिरफ्तार कीजिए। तो कहाँ फरार है, क्यों दिल्ली में बैठे हुए हैं, कैसे 40 एम्बुलेंस घर में छुपा कर रखे हुए थे, ये कानून का उल्लंघन नहीं था? क्या लगता गरीबों का सेवा करने का सजा मिला इनको? बिल्कुल, गरीबों की सेवा की सजा ही तो नीतीश कुमार आज तक ले दिए हैं। किसको बख्शे, आज तक किसी को बख्शे? जो व्यक्ति भी इस बिहार में सेवा किया नीतीश कुमार जी उसको खत्म करने का काम किए हैं। लेकिन मैं यहाँ चैलेंज देता हूँ कि नीतीश कुमार जी आपके मंसूबे बिहार के कम से कम 13 करोड़ लोगों की दुआ और नौजवानों के साथ नीतीश पप्पू यादव जी के साथ है। नीतीश कुमार जी आपके खिलाफ सड़कों पर सब लोग उतरे, आवाज को दबा रही है और हम आवाज दबने नहीं देंगे, दबने नहीं देंगे। सुनिए आपने कि किस तरह से गुस्सा है जाप समर्थकों में, जाप नेताओं में, कि पप्पू यादव को आखिर किस आधार पर गिरफ्तार किया गया। पर हम आपको बताएं, पटना पुलिस ने जिस आधार पर गिरफ्तारी की है उसमें 3 वजह सामने आई है कि पुलिस के मुताबिक जो लगाया गया है चार्ज उनके ऊपर, बगैर अनुमति के वो घूम रहे हैं, सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन भी कर रहे हैं। आपको बताया कि पप्पू यादव लगातार PMCH, NMCH और तमाम जो सरकारी हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े बिहार के, उन तमाम हॉस्पिटलों में जा रहे हैं लगातार और वहाँ के अंदर की पोल खोल रहे हैं। इसके बाद आज ये बड़ा एक्शन लिया गया है पुलिस की तरफ से, पटना पुलिस ने ये जो चार्ज लगा के पप्पू यादव को अरेस्ट कर लिया है। पप्पू यादव फिलहाल गांधी मैदान थाने में है, पुलिस की कस्टडी में है और बताया ये जा रहा है कि संभवतः उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। आगे जो भी तमाम खबरें आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे, आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।